सूर्य ग्रहण की तरह ही चंद्र ग्रहण भी हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है। होली को लगने वाला चंद्र ग्रहण किन राशियों पर क्या प्रभाव डालने वाला है, साथ ही किन राशि के जातकों को क्या उपाय करना चाहिए, ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। ये खगोलीय घटना 130 सालों बाद घट रही है, जो एक उच्छाया ग्रहण है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इन्हें मन का कारक माना जाता है। इनकी गति बहुत ही तेज है। सूर्य के समान ही चंद्रमा ग्रह भी बहुत ही विशिष्ट ग्रह है। आकाश में दिखाई देने वाला सूर्य के बाद चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो सबसे बड़ा दृष्टिगोचर होता है। कुंडली में चंद्रमा का ठीक होना बहुत ही जरूरी होता है। जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर होना बहुत ही कष्टकारी होता है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा ठीक नहीं होता है, उनको कई तरह से परेशानी होती है। इनकी गति बहुत ही तेज होती है। एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करने में 2 से 2.5 दिन लगता है। चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी है तथा रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा को पाताल लोक के स्वामी माना गया है। चंद्रमा शीतल एवं शांत ग्रह है, इसलिए इसे मन का कारक ग्रह कहा जाता है। सूतक काल ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले लग जाता है। सूतक लगने पर घर के सभी पानी के बर्तन में, दूध में और दही में कुश या तुलसी की पत्ती या दूध धोकर डालनी चाहिए। ग्रहण में वातावरण की किरणें नकारात्मक प्रभाव छोड़ती हैं, इसीलिए ग्रहण और सूतक काल में कुछ भी खाने पीने की मनाही रहती है। ग्रहण के बाद घर की साफ सफाई करके पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करना चाहिए। साथ ही घर के मंदिर में रखे सभी देवी देवताओं की मूर्तियों और तस्वीरों पर भी गंगाजल का छिड़काव करें। अंतरिक्ष में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के पास इसे देखने का शानदार मौका है। एक बेहद आकर्षक खगोलीय घटना है। ये हमारे सौर मंडल के कार्य करने के तरीके और खगोलीय पिंडों की गति के बारे में और अधिक जानने का एक शानदार मौका है। चंद्र ग्रहण रात को 9:45 से शुरू होगा। इसका मध्य 10:55 में रहेगा और देर रात 1:02 में समाप्त होगा। तुला, मेष और कर्क राशि के जातकों पर विशेष प्रभाव रहेगा, इसलिए उन्हें आवश्यक रूप से उपाय करने चाहिए। तुला, मेष, कर्क, इन 3 राशि के जातकों पर इस चंद्र ग्रहण का विशेष प्रभाव रहेगा। इन 3 राशि के जातकों समेत सभी राशि के जातक अगर एक कॉमन उपाय कर सके तो यह चंद्र ग्रहण या उपछाया ग्रहण भी शुभ फल देने वाला बन जाएगा। कांसे के बर्तन में दूध डालकर चंद्र ग्रहण वाले दिन उस पात्र में अपने चेहरे को देखें। इस पात्र में अपने प्रतिबिंब को देखने के बाद पात्र के दूध को किसी शिव मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाना है। ऐसे सभी जातक जिन पर किसी भी प्रकार से शनि की दशा चल रही है, वे जातक इस दिन शनि मंदिर में जाकर शनिदेव को तेल भी अर्पण कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक विशेष बात का ख्याल रखना चाहिए। अधिकांश लोग शनिदेव को तेल अर्पण उनके सिर वाले भाग से करते हैं, जबकि तेल अर्पण उनके पैर वाले भाग में करना चाहिए। ये चंद्र ग्रहण भारत के अलावा उत्तरी पूर्वी यूरोप, इंग्लैंड और आयरलैंड में, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी दिखाई देगा। साथ ही इस चंद्र ग्रहण या उपछाया ग्रहण का सूतक भारत में मान्य नहीं होगा।